बाल काट रही हैं और अपने सरों से हिजाब को उतार कर उनको आग लगा रही हैं। दुनिया भर की बहुत से रिलीजियस अपॉलोजिस्ट कहते हैं कि मारने की इजाज़त है, बहुत से रिलीजियस अपॉलोजिस्ट। तो अगर ये शिकवा हम लोग नहीं करता तो Hello everybody, welcome to another episode of Madhya Talks. आज की episode, I think Abhas आपकी तरफ से, let me mute कर दूँगा हम। आपको ये echo हो रही है आवाज? Somehow it's echoing. Let me fix it. All right. Hello everybody, welcome to another episode of Madhya Talks. Aaj humare saath hain Abhas Iqbal. और ये वेरी वेल नोन एथियस्ट हैं पाकिस्तान से और रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में मूव हुए हैं। अवैस की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है और इन्हीं से सुनते हैं इसके बारे में। ये तीन किताबों के ऑथर हैं, द एरो ऑफ टाइम, दे वर हियर एंड द बुक ऑफ द बुक्स। अवैस अपनी बुक्स के बारे में भी बताएंगे और अपनी जर्नी के बारे में भी बताएंगे। तो वेलकम अवैस, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। गुफ्तगू का आगाज किया जाए। अवैस आप बताएं कि यू आर वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान और आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे आप बहुत एक्टिव हैं एंड आई रिसेंटली यू नो गॉट टू नो अबाउट यू, मुझे अभी हालिया दिनों में पता चला। बल्कि आपकी एक पोम थी, मुझे एक अहमदी कादियानी लड़की से प्यार हुआ, तो उसके बाद यू नो आई मैंने वो पोम देखी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। उससे पता चला कि आप बिलाखिर अमेरिका मूव हुए हैं, तो आप जरा बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके व्यूज चेंज हुए मजहब के बारे में, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो सोसाइटी है हमारी वो सोचने पर पाबंदी है वहां पर। तो किस तरह से, कब ये चेंज आई, किस वजह से आई और आपने फिर काफी अरसा उस सोसाइटी में सर्वाइव किया, ये मतलब लोगों को इसके बारे में बताएं। I totally get that. Well, क्या कहते हैं, to begin with, मैं भी एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे वालिद साहब आज भी वजूद खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं और पांच वक्त मस्जिद जाते हैं। मेरी अम्मा भी ये हर नमाज के बाद दुआ करती हैं कि मैं बिगड़ा हुआ हूँ और सीधे रास्ते पर आ जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मैं तो सीधे रास्ते पर आ गया। और तकरीबन मैं बचपन में एक नॉर्मल मजहबी होता था और ईद की नमाज़ पढ़ ली, जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह मियाँ से डर भी लिया, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में सीन भी देख लिए और छुप छुप के सिगरेट भी पी लिए, वो जितना एक इस तरह से पाकिस्तान में हर एक यंगस्टर करता है। तो जब मैं मैट्रिक किया मैंने DPS साहिवाल से, तो उसके बाद मैंने FSC में एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। 6 नंबर थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया एडमिशन। तो वहाँ पर चूंकि मैं डिबेट्स का बहुत शौकीन था, तो एक दफ़ा मैं डिबेटिंग क्लब के ऑफिस गया, तो वहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद के दामाद जो थे नासिर मुनीफ कुरैशी साहब, वो भी पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, आजकल सिविलियन लाइफ गुजार रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले अनारकली से विल ड्यूरा की द स्टोरी ऑफ फिलोसफी पढ़ो, उसके बाद मैं तुम्हें डिबेटिंग क्लब की मेम्बरशिप दूंगा। तो फिर मैंने जनाब वो 80 रुपए की खरीदी पायरेटेड एडिशन। पाकिस्तान में चूंकि अमेरिकन पब्लिश्ड बुक्स महंगी होती हैं, तो वहां पर उनके पायरेटेड एडिशंस चलते हैं। तो मैंने वो द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी खरीदी, तो मेरा दिमाग भक से उड़ गया। तब मुझे पता चला कि जो रिलीजन है वो तो काफ़ी क्या कहते हैं उसके ऊपर शकूक व शुभात हैं, तहफ़ुज़ात हैं और बहुत सारे फिलॉसफर्स ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्वेश्चन किया है। खैर, मेरी जो बुनियादें थी रिलीजन की काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो गई।
और मैंने जब एफएससी कर ली मदिया, तो फैज़ अहमद फैज़ के जो दामाद हैं हुमैर हाशमी साहब, जो कि अदील हाशमी के अब्बा हैं, तो एक दिन मैं एक फैमिली फ्रेंड के साथ उनके घर बैठा था, तो वो बियर पी रहे थे, तो कहने लगे, यंग मैन, यू नो व्हाट इज़ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन? मैंने कहा, नहीं सर. तो मैं कहते, गेस करो. मैंने कहा, जी कलम. और नहीं हो, खोतिया. कहने लगे, मैंने कहा, जी पहिया. और नहीं हो, कंजरा. तो मैंने कहा, सर फिर द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन क्या है? तो कहने लगे, यंग मैन, द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इज गॉड. तो मैं उनकी आंखों में जो यकीन था ना, उससे मैं हिल गया. मैंने कहा, हुमैर साहब आप पागल हो गए हैं? आप कह रहे हैं कि इंसान ने खुदा को बनाया है? इंसान की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है वो मैन है? तो आप तो ना, उनकी आंखों में मेरे लिए जो तहकीर थी ना कि इस बच्चे को क्या पता, वो तहकीर मुझे अंदर से काट गई मदिया. तो मैंने मैंने कसम खाई कि मैं वो सब पता करूंगा जो इन बाबा जी को पता है. तो उसके बाद उनकी जो गोल्ड लीफ की सिगरेट की पन्नी थी सिल्वर कलर की, तो मैंने उनकी लाइब्रेरी में जो किताबें थी उनके नाम लिखने शुरू किए गए. और मैंने ये अज्यूम किया कि इनका जो इल्म है वो इनकी लाइब्रेरी की देन है. तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि बर्टन रसल भी कोई साहब हैं. तब मुझे पता चला कि सिप्ते हसन भी कोई साहब हैं, अली अब्बास जलालपुरी भी हैं. और फिर मैंने उन सब की किताबें खरीदने का तहिया किया. लेकिन अब वो किताबें बहुत महंगी थी मदिया. तो फिर मेरे अब्बा ने मुझे एक मोटरसाइकिल लेकर दी थी. वो मैंने मोटरसाइकिल बेच दी और घर जाकर मैंने कहा कि वो डाकुओं ने छीन ली है. और उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो हम तुम्हें मार देंगे. तो मेरी अम्मी ने मुझे पुलिस में रिपोर्ट करने से रोक दिया. और एक हफ्ते के बाद मुझे नई मोटरसाइकिल मिल गई. अब उन पैसों की मैंने किताबें खरीदी. लेकिन अगर वो मैं सारी किताबें घर लाता तो मेरी माँ को शक हो जाता. तो वो मैंने रख दी एक दोस्त के पास. और 3 महीने के बाद मैं वो उठाकर खुशी खुशी आया. मेरी अम्मा ने कहा, इतनी किताबें कहाँ से आई? तो मैंने कहा, वो मेरे एक प्रोफेसर साहब की कनाडा इमिग्रेशन हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि तुमसे बेहतर ख्याल इसका कौन रख सकता है. तो इस तरह जो मेरी जर्नी थी वो शुरू हुई. और मेरा शुरू में इरादा था कि मैं हुमैर साहब को गलत साबित करूंगा, मैं वजूद खुदा को साबित करूंगा. मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया. और जो जो पढ़ता गया तो जवाबों की वजह सवाल ज्यादा जो है वो जमा होने शुरू हो गए. मतिया, थैंक यू. अच्छा, आपकी मैंने ये स्टोरी आपने मेरे ख्याल फेसबुक पे पोस्ट की थी, मैंने इसको पढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग है. आप मेरे ख्याल 15-16 साल के होंगे बमुश्किल, एफएससी में 19 साल. तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपको इसने इंटरव्यू किया और आपने जाके इसको सोचना शुरू किया. बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे शट डाउन कर देते हैं. और लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने इस पे बात ही नहीं करनी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. तीन टाइप के एटीट्यूड होते हैं ना. एक तो होता है, एक बंदा कहता है कि नहीं, मैंने इस पे बात नहीं करनी, देयर इज नो. आप एक बात पे गौर करें मदिया, कि जो रिलीजन है उसको भी पता है कि हमारे बनाए हुए लॉज इतने ज्यादा हैं कि उन पर खुद उस रिलीजन के बनाने वाले भी अमल नहीं कर सकते. ठीक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के और हिंदू मत के, सिखिज्म के, जिस भी रिलीजन के आप लॉज ले लें और आप उन रिलीजन के बानियों की जिंदगी पर वो लॉज अप्लाई करें, तो आपको पता चलेगा कि वो खुद भी उन पर अमल नहीं कर सकते. इसको विल ड्यूरा ने कहा है कि सिंस फ्लैश इज वीक एंड लॉ इज कॉम्प्लेक्स, सिन इज इनएविटेबल. क्योंकि उन रिलीजन बनाने वालों को भी पता है कि हमने इतने ज्यादा कवानीन बना दिए हैं कि उनमें से कोई ना कोई तो इन्हराफ करेगा. और जब वो इन्हराफ करेगा तो वो एक सेंस ऑफ गिल्ट में मुबतला होगा, उसे एक एहसास से गुना होगा. और रिलीजन जो है वो इस एहसास से गुनाह के ऊपर फ्लोरिश करता है. वो चाहता है कि लोग गुनाह करें, वो चाहता है कि लोग सेंस ऑफ गिल्ट में रहें, वो चाहता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो किल करते रहें और उसके बाद वो उनको चंदे ज़कात, खिरात, इबादत वगैरह करते रहें. मदिया जी, तो मैं कह रही थी कि दो तीन तरह के रिस्पॉन्स होते हैं ना. एक जो लोग पहले पॉइंट पे ही शट डाउन कर देते हैं कि नहीं, इसके बारे में हमने कोई क्वेश्चन नहीं, हमारे ज़हन में कोई डाउट नहीं, हमने बात ही नहीं करनी. दूसरा है जो लोग रिबटल की पोजीशन में आते हैं कि नहीं, हम आपको बताते हैं, हम आपको सही गाइड करेंगे, आपने सही तरह नहीं पढ़ा. जिस स्टेट में आप आए कि मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, इनको गाइड करूंगा. और तीसरे जो है वो सोचना शुरू करते हैं और उनके यू नो स्विच ऑन हो जाता है कि यू नो यस, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. तो मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ कि मैं रिबटल वाली पोजिशन में है कि मैं यू नो आई विल टेल यू, आई विल गिव यू आंसर्स. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गांधी साहब को होल्ड ऑन किया. तो आपका मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट स्टेज ये थी कि आप
नहीं, मैं गामदी जो है वो इस्लाम की आखिरी सरहद है वैसे, और क्या कहते हैं वो आम मुल्ला से ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि वो रैशनैलिटी का लिबास पहनकर बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनको घेर लेते हैं, और उनको मैं इस्लाम का एक कॉस्मेटिक सर्जन समझता हूँ, जो इस्लाम की जो तमाम तर क्या कहते हैं ऐसी बातें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के एंगल से, वो उनकी बहुत ज़्यादा वो अकली दलील अकली तौजीह करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको इस प्रोग्राम की बसातत से एक सच्चा वाकया बताता हूँ कि गामदी साहब के साथ मेरा जो आखिरी शो साबित हुआ, क्योंकि वो प्लान्ड आखिरी शो नहीं था, दैट वॉज 30th October 2009, और हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, चूंकि हमारा रिकॉर्डेड शो होता था, लाइव की गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि उसमें बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते थे, बहुत सारा उस पर सेंसर आता था। तो मैंने गांधी साहब से पूछा कि गांधी साहब, अगर एक लड़की का रेप हो जाता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसके रेपिस्ट को हमेशा दोजख में जला सकता है, और मुआशरा चाहे तो उसके रेपिस्ट को सजाए मौत दे सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला खुद भी चाहे तो उस लड़की की इज्जत वापस नहीं ला सकता। जिस पर गांधी साहब जरा सीधे होकर बैठ गए और कहने लगे कि उस लड़की को जन्नत में बहुत आला दर्जा मिलेगा। तो हमारी एक जानने वाली थी तस्नीम सरवर, वो आजकल दुबई में होती हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से आई थी, तो कहने लगी फिर मैं भी एक क्या कहते इनवाइटिंग किस्म का ड्रेस पहनती हूँ, रेप करवाती हूँ और जन्नत पहुँच जाती हूँ, यानी जन्नत मुझे ऐसा कॉम्पनसेशन मिलेगी, जन्नत मुझे किसी अपनी मेहनत के रिवॉर्ड के सिलसिले में नहीं मिलेगी। तो गांधी साहब बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे, उनका जो वो बड़े भोले और मासूम से लगते हैं जब वो गुस्से में आते हैं, और क्या कहते हैं उनका जो मुंह है वो किसी रूसी जर्नैल की तरह सुर्ख भगोका हो जाता है। तो कहने लगे, नहीं बीबी, आपको अल्लाह ताला की स्कीम समझने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि गांधी साहब, पहले तो वो लड़की जो है रेप करवाए, उसके बाद वो शादमान थाने में जाकर FIR दर्ज कराए लाहौर के, उसके बाद वो कायदे आज़म लाइब्रेरी जाकर आपकी किताब मीज़ान के मुताबिक अल्लाह ताला की वो स्कीम्स समझने की कोशिश करे जो आपको समझ आई है, और क्या आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करेंगे जिसका रेप हुआ हो? तो गांधी साहब जो है ना, इसके ऊपर उन्हें लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है, तो गांधी साहब ने माइक उतारा और चल दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया। तो ये जो मजहबी तबका है, ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि इनके पास पाकिस्तान के अंदर जो रैशनैलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो फैलता हुआ इल्हाद है, उसके सवालों के जवाब देने की ये पोजीशन में नहीं है, और इसीलिए ये पाकिस्तान में जो ड्रैकोनियन लॉज हैं ब्लास्फेमी जैसे, उनके ज़रिए हमें दबाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी को एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन, एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जाता है मदिया जी। लेकिन ब्लास्फेमी लॉज तो तकरीबन तमाम मुसलमान ममालिक में हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको उन पे कितनी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में तो मेरी फेसबुक पोस्ट, मैं तो पाकिस्तान में हूँ भी नहीं, मुझे आए रोज कोई ना कोई आ जाता है कि PTA ने आपकी ये जो है ब्लॉक कर दी। हालांकि मेरी सिर्फ पोस्ट है, लाइक आई डोंट इवन नो। मुझे ना, मुझे ये PTA की इस तरह की रिपोर्टिंग से ना वो याद आ गया कि जब पहली जंग अजीम में ना, जब बरतानिया जो था वर्ल्ड वॉर वन में लड़ रहा था, तो ना फैसलाबाद के एक गांव में ना, तो एक हेजड़ों के पास एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर आया कि हमें ना भर्ती करने के लिए फौजी चाहिए। तो हेजड़ों के गुरु ने कहा कि तुम्हें मैं लोग तो दे देता हूँ, लेकिन मलका को कहो, बादशाह को कहो कि अगर नौबत यहाँ तक आई है ना तो सुलह कर ले। तो मैं बात कहने का मतलब यह है कि PTA को चाहिए कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है ना कि इस कायनात के खालिक की इज्जत की हिफाजत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कर रही है, तो फिर रिलीजन को चाहिए सुलह कर ले, और कम से कम अपनी जो हकीकत है उसको तस्लीम कर ले। तो ये कितनी देर लगेगी पाकिस्तान में इस चीज को रियलाइजेशन के लिए कि इंटरनेट के दौर में आपकी इस किस्म की ये हरकतें जो हैं ये इफेक्टिव नहीं है, लोगों को इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ये बुक्स बैन करने का दौर गुजर गया है इंटरनेट के होते हुए, क्योंकि It doesn't seem like they're getting it. Madhya, असल में बात यह है कि अगर हम मैं being a devil's advocate, इसको मैं इस तरह से कहूँ कि चाइना ने इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से सेंसर किया है, ईरान ने आपको इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से सेंसर किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर मैं रहा हूँ तो हम कोई भी साइट खोलने की कोशिश करते हैं, islam-watch.org इस तरह की जो साइट्स हैं वो नहीं खुलती हैं, आपके ऊपर वो एक कार्टून सा बना आता है और कहता है कि नो नो नो, ओनली सेफ सर्फिंग इज अलाउड। तो जो जो दुनिया की टोटेलिटेरियन रिलीजियस रजीम्स हैं, और जो टोटेलिटेरियन नॉर्थ कोरिया के अंदर इंटरनेट को बहुत ज़्यादा से कंट्रोल किया गया है। द थिंग इज मदिया,
कि जब तक लोग लाइफ आफ्टर डेथ जैसी फजूल चीज के ऊपर बिलीव करते रहेंगे तब तक रिलीजन थराइव करता रहेगा। क्योंकि मुझे और आपको तो समझ आ गई है कि देर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन एक आम आदमी जो है वो इस उम्मीद पर जिंदा रहना चाहता है कि देर वुड बी लाइफ आफ्टर डेथ, वो जन्नत में जाएगा, 70 हूरें होंगी और उसकी बीवी उसे फोन करके पूछेगी कि किधर हो, तो वो बताएगा बीवी को बड़े फखर से कि मैं हूर नंबर 37 के हुजरे में हूँ, बस हूर नंबर 43 का हालचाल पूछ के तुम्हारे पास मैं 200 साल में आ रहा हूँ, और बीवी सुन के बड़ी खुश होगी। तो दिस साउंड्स टोटली इलॉजिकल। तो लोगों को जब तक ये फियर ऑफ डेथ एग्जिस्ट करेगा ना मदिया, रिलीजन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं डॉगमा के ऊपर बाहर आ रहे हैं। मैं अक्सर इस बात का हवाला देता होता हूं कि मुझे एक दफा लाहौर ग्रामर स्कूल की एक 15 साल की बच्ची ने, ओ लेवल्स की बच्ची ने फेसबुक पर मैसेज किया कि अवैस भाई आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अल्लाह ताला जो क्लिनिकल डिजीजेस हैं वो तो ठीक कर देता है, वो कैंसर ठीक कर देता है, एड्स ठीक कर देता है, मलेरिया ठीक कर देता है, और हम कहते हैं हुवल शाफी और क्या कहते हैं इस तरह की, लेकिन अल्लाह ताला ना सर्जिकल के मैदान में बिल्कुल जीरो है। अल्लाह ताला किसी की कटी हुई टांग नहीं उगा सकता, अल्लाह ताला किसी का कटा हुआ हाथ नहीं उगा सकता, वो किसी की कटी हुई उंगली नहीं उगा सकता। और कोई मौलवी भी ये दुआ नहीं मांगता कि या अल्लाह इसकी कटी हुई टांग उगा दे, क्योंकि मौलवी को भी पता है कि उसका जो खुदा है वो ये करने से कासिर है। और आप सोचें मदिया कि जो खुदा एक इंसान की कटी हुई डांगरी उगा सकता, वो कहता है कि मैं आपको मरने के बाद जिंदा करूंगा। वाह क्या बात है। अच्छा एक जो चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि कुछ लोग तो हैं बड़े क्लियर माइंडेड हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ये मछली के पेट में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वेल के पेट में मुंह से नहीं गुजर सकता, उसके बाद या समुंदर के दो टुकड़े नहीं हो सकते, या छोटे बेबीज कॉट में नहीं बोल सकते हैं, तो वो उनको ये बात समझ आ जाती है। कुछ लोग इसको बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखते हैं, इसको कोई कि ये तो खुदा जो है बात कर रहा है, इशारों किनाइयों में बात कर रहा है, एडम इज नॉट दैट एडम, कोई और मेटाफिजिकल इसकी मुझे उन बिचारों पर ज्यादा तरस आता है कि उन्हें हर 100 साल के बाद अपनी जो इंटरप्रिटेशन है वो तब्दील करनी पड़ती है। तो मैं अक्सर इस बात का सवाल करता होता हूँ कि जो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद अक्सा ले गई और वहां से वापस ले आई, क्योंकि जो शबे मेराज का वाक्या है वो 622 का वाक्या है और मस्जिद अक्सा 705 में बनी थी। तो मुझे ये बताइएगा कौन से टाइम ट्रेवल के नतीजे में 83 ईयर्स पहले वो मस्जिद अक्सा में चले गए। तो ये बहुत इम्कान है कि ये उमवियों ने ये आयत बाद में शामिल की थी। और जब हम ये पूछते हैं मुल्ला हजरात से कि जनाब ये मस्जिद अक्सा तो थी ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने तो 638 में यरूशलम फतह किया है, तो आप कैसे मस्जिद अक्सा में पहुंच गए, तो कहने लगे नहीं 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 मस्जिद अक्सा से मुराद कोई भी दूर की मस्जिद है, समझ रही हैं, वो बचने के लिए कहते हैं, लेकिन मस्जिदुल हराम जो है उससे मुराद वही मस्जिदुल हराम है जो मक्का में एग्जिस्ट करती है। इन लोगों की मुनाफकत का ये आलम है मदिया। वो कहते हैं कि खुदा जो है मेटाफोर में बात कर रहे हैं, एडम का मतलब फर्स्ट सेल है, उनका खुदा जो एवोल्यूशन को भी बीच में बड़ा ना, वो क्या कहते हैं वो अजीब सा खुदा है जो अगर कहे या अल्लाह खुशहाली दे, अल्लाह ताला तुम्हें खुशहाल करेगा, या अल्लाह मुझे ना रोजो कारोबार में बरकत दे, ठीक है वो एब्स्ट्रैक्ट सी चीजों के ऊपर चलते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे अगली जुमेरात को सुबह 11 बजे नीले रंग के सूट केस में $10 मिलियन कैश चाहिए, तो वो आपकी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा, उस बेचारे के पास खुद नहीं है, होगा तो कबूल होंगे ना। तो द थिंग इज कि वो इस तरह की जो एग्जैक्ट दुआएं होती हैं ना उनको एंटरटेन करने से इसलिए गुरेज करता है कि वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो पीके फिल्म जो थी उस फिल्म को मैंने अच्छी तरह याद है, मैंने एमएम आलम रोड पे एक सिनेमा था वहां जब मैंने देखी, तो मैंने एक छोटी सी नज्म की थी, कही थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सुनाऊं। उस नज्म का उनवान था मदिया सैयद राम टॉम सिंह, यानी मैंने चारों मजाहिब को मिलाकर एक इंसान बनाया, ठीक है, और उसका नाम रखा सैयद राम टॉम सिंह। और वो नज्म कुछ ये थी कि मादाए मनविया की रतूबतों में कुल बुलाते हयातियाती जरसों में लाखों की तादाद में और सफेद लिबास में उस गौरे मादा को पाने की सही करते हैं जो अपने उस शाक से बिछड़ने की सूरत में लहू रोता है, जो ना सिर्फ नाम ले बल्कि बढ़कर थाम ले, उस मादे पे गौहर आमादाए अदगाम होता है, जो जिंदगी का आगाज होता है सुपुर्दगी का अंजाम होता है, मादे की जात होती है ना गौहर पात रखता है, शनाख्त के खाने में आगही कातिबे हालात रखता है,
तीन चौथाई साल में सातों के ख्याल में सैयद राम टॉम सिंह सफरे जिंदगी की बुनियाद रखता है। अजान की आवाज राम को अच्छी नहीं लगती और वाइन के कतरों पे सैयद सटपटाता है। टॉम को सेंटा क्लॉज सिख मालूम होता है और सिंह की कृपान सैयद को लोहे का चांद लगती है। असबियत तुलू होती है, इंसानियत मान पड़ती है। एक वजूद के एक इंसान के चार टुकड़े होते हैं, हर टुकड़े के अपने रोने होते हैं, दुखड़े होते हैं। सैयद के तेल पे टॉम तिल मिलाता है और सिंह के खेल पे राम गुर्राता है। शनाख्त का हर हिस्सा खुद को कामिल कहलवाता है। आगही दम तोड़ देती है, जोहल मुस्कुराता है। जो कोई पढ़ने वाला तलाश को निकले, अमल की जीत हो और काश तो निकले। मेरे सैयद राम टॉम सिंह को लौटा दे, जहां से निकला है वहां का बता दे। कि मादे की जात होती है, न गौहर पात रखता है। शनाख्त के खाने में आ गई, कातिबे हालात रखता है। जबरदस्त, बहुत ही अपने फर्टिलाइजेशन से लेके पूरे एक इंसान का जो प्रोसेस है। जी हां। और फर्टिलाइजेशन से मुझे याद आया कि जो पहली आयत है, जिसको हमें बताया गया कि जो पहली आयत उतरी थी वो ये थी, रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। आप मेडिकल डॉक्टर हैं, मैंने एजुकेशन फार्मेसी की ली है, मैं बाय एजुकेशन एक फार्मासिस्ट हूं, और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जब एक एग के साथ सीमन मिलता है तो जायगोट बनता है, फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। उससे ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होती है। जो खून का लोथड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो खून के लोथड़े होते हैं वो निकलते हैं। और ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी थी कि मर्द का सीमन जब औरत के मेंस्ट्रुअल ब्लड से मिलता है तो खून के लोथड़ों से इंसानों की फर्टिलाइजेशन पैदा होती है। और ये एरिस्टोटल की बायोलॉजी चूंकि इस्लाम से 900 साल पुरानी है, इसलिए एरिस्टोटल का जो इंतकाल है 322 कब्रज मसीह में हुआ था। तो एरिस्टोटल की बायोलॉजी को रोमन एम्पायर ने कॉपी किया, गैलन ने कॉपी किया, क्रिश्चियनिटी ने कॉपी किया, और उसके बाद मिनोअन इस्लाम ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया और हमें बताया कि जनाब ये खालिक के कायनात साहब फरमा रहे हैं कि उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रब साहब जी, तो ये स्पर्मिस्ट इसको बोलते हैं, उसमें 7th सेंचुरी तक ये बात पता नहीं थी कि फीमेल्स का भी रिप्रोडक्शन में कोई रोल होता है। एग्जैक्टली इसीलिए तो क्या कहते हैं वो, इस सारी जो तमाम तर आपकी आपकी 16th सेंचुरी तक आपके जो तीन मेजर मजाहिब हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जिसमें इस्लाम है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है और जिसमें जूडाइज्म है, वो तीनों एक बात पर मुत्तफिक थे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, वो तो बाद में गलीलियो ने आकर इनका दिमाग ठीक किया। और आप कुरान मजीद की एक आयत भी है जो क्या कहते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में है कि वो एक सफर के दौरान एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जो सूरज तुलू होने की जगह थी। ठीक है, और अगली आयत यह है कि वो एक सफर के दौरान एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जो सूरज गुरूब होने की जगह थी। और ऐसी जगह पर पहुंचना तभी मुमकिन है जब आप अर्थ को फ्लैट तसव्वुर करें। और जब आप सोलर सिस्टम की एक पिक्चर और डायग्राम दिखाएं जिसमें आपके 8 प्लैनेट्स और एक ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और उसके अंदर अर्थ फ्लैट है ना, तो आपको पता चलेगा कि मजहब कितना मजहका खेज है। डॉक्टर मदिया जी, ये तो बड़ी आप हम बारीकियों में जा रहे हैं। अगर आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें भी लेना तो उसमें भी जो मजहब की मजहब का फैजी है वो साफ नजर आती है। लेकिन अगर आप कुरान, ज्यादा मसला ये है कि पाकिस्तान में कुरान को सिर्फ अरबी में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। जी, पंजाबी तर्जुमा करे तो बड़ा दिलचस्प होगा। जी, अगर हिस्ट्री भी इस्लाम से ही शुरू होती है, पिछली इस्लाम से पहले मैं 6th क्लास में था, शेख जैद स्कूल रहीमिया खान में, मैंने अपनी टीचर से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम से पहले हर जानिब जहालत ही थी और कोई भी अकलमंद बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ इस्लाम से पहले जहालत थी, तो मेरा दिल नहीं माना कि नहीं कुछ ना कुछ तो अकलमंद लोग पहले भी होते होंगे। तो फिर मैं लाइब्रेरी गया तो मुझे पता चला कि उससे पहले पर्शियन एम्पायर थी, उससे पहले रोमन एम्पायर थी, उससे पहले कितनी हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री है, वो तो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। बिल्कुल। सो जहालत बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आप अमेरिका में नए नए आए, आपको पता नहीं है कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं वो इस्लामी स्कूल ढूंढते हैं। तो इतनी मुझे समझ नहीं आती है कि आप जिन कंट्रीज से आए हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया कि जो ये इतनी डेवलप्ड नेशंस हैं क्यों डेवलप्ड हैं। जाहिर है इसकी वजह इनका तालीमी निज़ाम है,
क्योंकि आप बेस से शुरू करते हैं ना, तब जाके अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। मेरी बेटी को स्कूल के अंदर कोई इस्लामियत नाम की माइथोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, रिलीजन नाम की माइथोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, और वहां पर तो आपने बच्चों को क्या कहते हैं कुकड़ बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बच्चे अरबी भी पढ़े हैं, बच्चे उर्दू भी पढ़े हैं, बच्चे अंग्रेजी भी पढ़े, और उसके बाद आप उनको, और सिर्फ ये नहीं है कि इस्लामियत में इस्लामियत है, उर्दू के अंदर भी इस्लामियत है, अंग्रेजी के अंदर भी इस्लामियत है, और उसके बाद मैथ्स की किताबों में जो लड़की आपको 3 अंडे और 4 सेब जमा करना दिखा रही है, उसको भी स्कार्फ दिया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में। इतने ये मुल्ला जो हैं इस हद तक पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। डॉक्टर मदिया जी, मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम पे एक पूरी स्ट्रीम की थी 2-2.5 घंटे की, और उसमें मैंने बड़े मैंने उसके ऊपर कई शोज भी किए थे। और सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब ये है कि आप जो हैं इंसानों को डाइवर्सिटी खत्म करके बाटा के जूते बनाना चाहते हैं, और उनके अंदर आप किसी भी किस्म की क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको निकाल कर आप एक डॉगमा को इनकलकेट करना चाहते हैं, और इसी वजह से जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो एक बहुत ही बेहुदा चीज थी। जी, तो आप ये सोचें कि साइंस की किताब में अल्लाह ताला ने पानी बनाया, ठीक है, इस तरह से हर चीज पे एक अल्लाह ताला का ताला लगा दिया, जब आपने साइंटिफिक थिंकिंग को ही ब्लॉक कर दिया, जब ऑलरेडी पीपल हैव आंसर्स, बच्चों के पास पहले आंसर हर चीज का, बारिश किसने बनाई, अल्लाह ताला ने, दुनिया किसने बनाई, अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने क्या सोचना है? अगर उनसे ये पूछा जाए कि अल्लाह ताला किसने बनाया, ये कैसी बातें कर रहे हो, चलो नमाज का टाइम हो रहा है, वो आपको आपको आंसर ही नहीं करते हैं। मैंने औरिया मकबूल जान के साथ नियो टीवी के ऊपर बकायदा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे शो किया था, और वो मेरा पढ़ा भी हुआ यूट्यूब पे। उसमें बुनियादी क्वेश्चन ही ये था कि अगर खुदा जो है इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को अदम से वजूद में लेकर आया, ठीक है, टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया, तो उससे पहले वो खुद कहाँ एग्जिस्ट करता था? क्योंकि टाइम और स्पेस के बाहर जो चीज एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। गांधी साहब ने एक दफा जियो की रिकॉर्डिंग में कहने लगे, उनसे एक पार्टिसिपेंट ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया, तो गांधी साहब ने ना एक टिपिकल मुल्ला की तरह जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाने का इरादा किया तो उन्होंने कहा कुन, तो मैंने कहा गांधी साहब अरबी में कहा था, तो ना सारे लोग हंस पड़े, तो गांधी साहब को लगा कि जैसे ना बहुत ज्यादा ना उन्होंने कोई बोंगी मारी है। तो मैंने कहा गांधी साहब खुदा का खौफ करें, 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी कायनात को कायनात का खालिक अरबी जबान में कह रहा है कुन। फिर मैंने उनसे एक दफा ये भी पूछा कि मुझे ये बताएं कि हजरत आदम जबान कौन सी बोलते थे, बड़े चालाक आदमी थे, कहने लगे इससे क्या फर्क पड़ता है कि हजरत आदम कौन सी जबान बोलते थे। मैंने कहा आपको ये पता है कि उनकी बीवी का नाम हव्वा था, आपको ये भी पता है कि वो पसली से पैदा हुई थी, आपको ये भी पता है उनके 2 बेटे थे हाबील और काबील, काबील ने हाबील को मार दिया, पछताने लगा कब्बे ने आकर बताया कि इसको दफनाना कैसे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जबान कौन सी बोलते थे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। और जब कोई कहानी बनाई जाती है ना तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और ये उनमें से एक लूप होल है। क्लैरिटी के साथ लाया गया, और इस बात के ऊपर भी इनको समझ नहीं आती है कि पसली में से वो 9 माह की पैदा हुई थी या 18 साल की पैदा हुई थी। 18 साल की तो पैदा होना नामुमकिन है, और अगर 9 माह की पैदा हुई थी तो पहले उसको पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद उनसे उनको नस्ल बढ़ा के बढ़ाई, और उस इक्वेशन में हमें किसी हाबील और काबील का नाम मिलता है, लेकिन उसमें कोई लड़की भी नहीं है बेचारों के पास, ठीक है, कि जिसके साथ वो इंसेस्ट के नतीजे में ह्यूमन सिविलाइजेशन को वो आगे बढ़ाते हैं। ये हमें एक दफा और ये साहब मुझे कहने लगे नियो टीवी के ऑफिस में, और तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग बांदर की औलाद हो? मैंने कहा जी सर हम लोग बांदर की औलाद है, हालांकि उन्होंने एवोल्यूशन को समझा ही नहीं है कि ब्रांचिंग कैसे होती है, लेकिन अगर हम बांदर की औलाद है ना तो कम अज कम आपसे बेहतर है, क्योंकि आप तो मामू की औलाद है। जी लेकिन ये तो बहुत ही बारीकियों में जाने वाली बात है, मतलब नदिया बारीकी में जाना चाहिए, क्योंकि डेविल लाइज इन डिटेल। अगर जब तक आप बारीकी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक मजहब की हकीकत आपके ऊपर आश्कार नहीं होगी। इसमें फिर ये लोग मेटाफोर का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि एक ऐसा खुदा जिसने हर आईक्यू का बंदा पैदा किया, कुछ लोगों का आईक्यू 50 से कम है, कुछ का 70 से कम है, और वो रियली रियली ही वांटेड के एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट ही वांट्स टू से,
और वो घुमा फिरा के मेटाफोर से काम ले रहा है, मेटाफोर तो बहुत ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने 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 इस किताब को समझने के लिए आसान कर दिया है, और फिर उसके साथ मार्केट में 205 तफासीर भी दस्तयाब है। ठीक है, अगर हमने इस किताब को समझने के लिए आसान कर दिया तो फिर मेटाफोर का सहारा लिया। अब गालिब अगर मेटाफोर का सहारा ले, मीर तकी मीर अगर मेटाफोर का सहारा ले, जॉन कीट्स अगर मेटाफोर का सहारा ले, तो समझ भी आता है कि उसने अपने महबूब की जुल्फों की तारीफ करनी है। लेकिन अगर अल्लाह ताला भी मेटाफोर का सहारा ले और वो अपनी क्लैरिटी से बात समझा ही ना सके, तो फिर क्या फायदा इस मेटाफोर का डॉक्टर मदिया? फिर तो टीचर का मसला है ना कि he's a bad teacher and he और बुक भी ऐसी लैंग्वेज में भेजी जो not a bad teacher, actually those guys who wrote this book were bad teachers. Yeah, and the vocabulary is very limited. अगर आप कुरान को अरबी में भी सुने या पढ़े तो आपको पता चलेगा कि लफ्ज बार बार वही रिपीट हुए जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, और जो वोकैबुलरी है कदीम अरबी जो शौरा थे उनका बहुत ज्यादा जो कलाम है, जैसे अमर कैस हैं और इस तरह के जो दीगर अरबी शौरा हैं, उनकी बहुत ज्यादा जो शायरी है उसको भी इस्लामिसाइज्ड किया गया है। और आप मजे की बात ये देखें कि वो पहला शख्स जो गवाही दे रहा है नबूवत की, वरका बिन नौफल, और उस बंदे ने खुद इस्लाम कबूल नहीं किया। ठीक है, तो यानी अजीब सी बात है वैसे, और इस बात का मेरे पास क्या कहते हैं अभी तक आज तक कोई जवाब नहीं है डॉक्टर मदिया। नहीं, सवाल तो जाहिर है इतने सारे हैं, एक दफा आप रैशनली सोचना शुरू करें तो देन देयर इज नो वे यू कैन गो बैक इनटू दिस डॉग्मा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोग रैशनैलिटीज को क्यों कह रहे हैं, आप लोग तो मिसगाइडेड हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरी एक क्लास फेलो यू नो MBBS करके पाकिस्तान से किसी तरह अमेरिका पहुंच गई, यहाँ इन्होंने स्टेप्स दिए, USMLE कर ली। यहाँ पे अमेरिका में मेडिकल लाइसेंस लेने के बाद प्रैक्टिस करने से पहले हमें डोमेस्टिक वायलेंस पे कोर्स करना पड़ता है, तो वो प्राइमरी केयर जो फिजिशियंस होते हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस के पेशेंट्स उनके पास आते हैं। ठीक है, तो उस तरह मजहब पे बात चल पड़ी तो मैंने उनसे कहा कि कुरान में तो अलाउ किया गया है खवातीन को कि मर्द मार सकते हैं, तो कहती हाँ तो हमारी हरकतें भी तो ऐसी होती हैं। और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, मैंने कहा ये लड़की मेडिकल में पढ़ती है, वो लड़की अगर बड़ी होगी और माँ बनेगी और उसका दामाद उसकी बेटी को मार रहा होगा तो फिर आप उनके आगे कुरान की यही आयत रखेंगी, सूरह निसा की 34वीं आयत, तो फिर उनसे बताइएगा कि कैसा लगा। मैंने कहा कि अगर इसके पास डोमेस्टिक वायलेंस के पेशेंट्स आते हैं अमेरिका में तो ये क्या उसको ये कहेगी कि तुम डिजर्व करती हो मार खाना? एग्जैक्टली, आपकी तालीम का क्या फायदा? मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स से पूछें कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं, तो वो नॉन रिलीजियस एनवायरनमेंट में कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उनके अंदर का मजहबी शख्स बेदार करेंगे तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें हजरत आदम ने पैदा किया है। तो बहुत सारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, मैंने पिछले दिनों एक लेटर भी लिखा था अपनी तरफ से, एक फिक्टिशियस लेटर जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर की तरफ से एनाटॉमी डिपार्टमेंट की जो हेड हैं उन्हें हाथ लिखा गया कि आप जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा रही हैं वो सरासर गलत है, आप MBBS के तलबा को एनाटॉमी की स्टेजेस और सब स्टेजेस में ये पढ़ाया करें कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के पुतले से पैदा किया और जब उसने रूह फूंक दी तो उसके बाद उसकी पसली के अंदर से औरत को पैदा किया, और आप क्या साइंस के पीछे पड़ी हुई है, और अगर आपने नमाजी तलबा की सप्ली लगाई तो मुझसे को बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर्स भी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिनाय करते हैं ना, मुझे लगता है कि उनकी कम से कम मेडिकल प्रैक्टिसेस को, मेडिकल लाइसेंसेस को कन्फिस्केट कर लेना चाहिए। डॉक्टर मदिया, अच्छा पढ़ाई जा रही है वैसे किंग एडवर्ड में, तो बड़ी खुश आइन बात है अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहीं पाकिस्तान में बताया। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाते हैं, इवन सेकंड ईयर की बुक्स में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है, और तमाम तर मुलायत के बावजूद भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अभी तक वो सिलेबस से निकाल नहीं पाए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अंडरटोन किया जाता है जानबूझ के। एक 1960 की बड़ी कमाल फिल्म है इनहेरिट द विंड, ठीक है, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब अमेरिका में पढ़ाने पर पाबंदी थी 1926 के अंदर, तो एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका ट्रायल होता है, उसको मंकी ट्रायल के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, स्कूप्स केस है, तो उसमें उससे वो वकील पूछता है कि हाउ दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, तो जो पादरी होता है वो ये कहता है कि दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय आर गुड लॉर्ड ऑन 23rd अक्टूबर 4004 BC एट 9 AM, तो आगे से वो कहता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो उसके ऊपर वो सारा जो कोर्ट रूम है वो हंसने लग जाता है, और वो जो पादरी है उसको क्या कहते हैं हार्ट अटैक होता है और उसकी डेथ हो जाती है। मेरा मुझे ये भी पता करना है कि क्या जो यहाँ के इस्लामिक स्कूल्स हैं अमेरिका में,
वहां पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाई जाती है कि नहीं? मुझे नहीं लगता, आई हैव नो आइडिया, बट आई विल फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट। और मुझे लगता है कि स्ट्रीम्स के अंदर इसी तरह से अपनी डिस्कशन का सिलसिला जो है इन मौजूदात की जानिब भी लेकर चलेंगे डॉक्टर मदिया जी। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि हम स्ट्रीम को छोटा ही रखते हैं क्योंकि आप चाह रहे थे कि हम इसको छोटा रखें। ना, क्योंकि ना लोगों का रिटेंशन, हम तो आपके साथ 2 घंटे भी 3 घंटे भी 4 घंटे भी बैठ जाऊंगा, गुफ्तगू कर लूंगा, लेकिन लोगों का रिटेंशन टाइम बहुत कम हो गया है और लोगों को ना उस चीज को असिमिलेट करने में वो ना वक्त लगता है। तो ठीक है, इनको इकट्ठे सारा कुछ नहीं खिलाते हैं, देसी ही नहीं तो कोलेस्ट्रॉल से इनकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी डॉक्टर मदिया। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछें और हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे। या वी विल ट्राई टू डू दैट, वी विल ट्राई टू डू दैट। आपने कोई मैसेज देना है वैसे, और आप अपने अपने मतलब अभी अमेरिका में आप हैं तो कुछ शेयर करना चाहते हैं? वेल, आई वुड लव टू, बट मुझे लगता है कि मैं अगली स्ट्रीम में ना वो अपना जो ट्रांजिशन है, आज हमने ज्यादातर थियोलॉजी के ऊपर गुफ्तगू की, उसके ऊपर हम अगली स्ट्रीम में गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मदिया। बिल्कुल, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच अवेस। हाँ, वी विल कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और मुझे ऐसे लगा कि ये जो मकामे मेराज है, इस तक हर अकलमंद बंदा जो है वो पहुंच सकता है अगर वो अपने तमाम तर तासुबात को साइड पर रखकर सोचे। मैं हर रिलीजियस आदमी को चैलेंज देता होता हूँ, 3 डेज चैलेंज, कि आप, आपको तो पता है ना आपका मजहब ठीक है, आप सिर्फ 3 दिन के लिए स्केप्टिक बनकर अपने मजहब के ऊपर शक करना शुरू करें, उन 3 दिन के बाद भी अगर आपका रिलीजन आपके लिए सही रहता तो रहें, लेकिन वो 3 skeptic days जो है ना आपकी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। राइट, एक क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें, व्हाई यू आर नॉट इंस्पायर्ड बाय गांधी एज ही इज अ मॉडर्न सोफिस्ट, यानी कि सूफी है। वेल, मेरे नज़दीक गांधी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्मुल कलाम के माहिर हैं, और वो जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक कर पेश करते हैं। गांधी साहब इस्लाम को मॉडर्न टीचिंग्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अगर आप किसी भी चीज़ को अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो असल मैसेज है आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं गांधी साहब की टीचिंग से तो तब मुतासर हूँ ना जब मुझे पता हो कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है और वो बेचारा किताबें भी नाजिल करता है, तो उसके बाद मैं तो उस मार्केट के अंदर जाता ही नहीं हूँ जिसके अंदर गांधी साहब अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। तो मैं तो उस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्वेश्चन करता हूँ कि जो रिलीजियस गॉड है वो कहाँ है, और उस रिलीजियस गॉड जब तक हमारी अकल के अंदर क्या कहते हैं उसकी एग्जिस्टेंस नहीं आती है, तो हम उसका जो भेजा हुआ मुबैना तौर पर भेजा हुआ कलाम है जब हम उसका जायजा लेते हैं तो हमें उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है डॉक्टर मदिया जो इंसान ना लिख सकता। और गांधी साहब जो है वो सिंपली इल्मुल कलाम के माहिर हैं, अपनी मर्जी की हदीसें सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी की हदीसें रिजेक्ट करते हैं, दैट्स इट। जी, मेरी जो जर्नी है वो भी मेरे चैनल पे है, फ्रॉम डॉग्मा टू रैशनैलिटी, मैंने अभी कुछ अर्से पहले उसको शेयर किया था। गांधी साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज होल्डिंग ऑन टू यू नो बाय थ्रेड रिलीजन को मैं पकड़ना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है लास्ट रिजॉर्ट आपका गांधी होता है कि शायद ये मेरा ईमान बचा सके। तो मैंने एक उनका लेक्चर सुना जिसमें था कि क्या खुदा का कोई वजूद है, क्योंकि मैं इस पे आके फंस गई कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, उसके बाद में बात होगी ना कि कुरान में क्या है। एग्जैक्टली, तो पूरे 1 घंटे के लेक्चर में सिर्फ उर्दू के मुश्किल अल्फाज के अलावा कुछ वो, मैंने कहा आप गांधी साहब से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आप उनसे उर्दू जबान सीख सकते हैं। वो मजहब के अलावा हर मौजू पर उनका मौकफ अमूमन दुरुस्त होता है। ठीक है, मुझे उनका एक जुमला बड़ा अच्छा लगता होता है कि उनसे मैंने जादू के ऊपर प्रोग्राम किया तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि जब बाबिल में सहर व साहरी का गुलगुला हो गया, ऐसी कमाल उर्दू बोलते हैं कि वो अगला बंदा ना उसके अंदर बिल्कुल उस अंदाजे बयां के अंदर जो है ना मसूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एसेंस नहीं होता, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं होती। मैंने एक दफा गांधी साहब से पूछा कि गांधी साहब जो सूअर का गोश्त होता है उसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, जिंक और सेलेनियम होता है जिसको खाने से जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीजेस का खतरा बीफ की निस्बत 16 गुना कम होता है, तो क्या वजह है कि खाने के लिए सूअर हराम है और बीफ हलाल है? तो उन्होंने एक बिल्कुल एक रिवायती जवाब दिया कि जो सूअर है वो अपनी महरमात के साथ इख्तलात करता है। तो मैंने कहा गांधी साहब मुझे नहीं पता भेड़ बकरियों के निकाह भी पढ़ाए जाते हैं। कहने लगे नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि आप जो गोश्त खाते हैं उसकी खसूसियात आपके अंदर सिरायत कर जाती हैं। तो मैंने कहा गांधी साहब मैंने 1.5 किलो रोहू मछली ऑर्डर किया लेकिन अभी तक मुझे स्विमिंग नहीं आई। ठीक है, तो ही हैड नो आंसर फॉर दिस। और ये प्रोग्राम ऑन एयर होने से रोक दिया गया था जियो के सेंसर बोर्ड ने, जिसके जो सेंसर बोर्ड के हेड थे वो भी एक मौलवी थे, इरशाद अहमद आरिफ साहब।
जब मैंने लेक्चर सुना, पूरे घंटे का लेक्चर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा शायद मे बी आई मिस द पॉइंट। मैंने दोबारा फिर उसको सुना, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। घुमा फिरा के अल्लाह के कामों में मसलहत है, बस खुदा ने ये कह बात दिया, अल्लाह की है। बस किसी का यही बड़ा अच्छा शेर है कि बच बच के रजा। जरा मिंबर व मेहराब से चलना, बच बच के जरा मिंबर व मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। बोल रहा है ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन यूरोप, आर दे फेसिंग एनी आइडेंटिटी क्राइसिस? दे आर अडॉप्टिंग मोर इस्लामिक कल्चर या जी हाँ, यूरोप बिल्कुल। ये सर्टेनली? मैं इस सवाल के अंदर इसका जवाब है कि जो मुसलमान अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूरोप के अंदर खास तौर पर जो क्या कहते हैं रहते हैं, वो उनमें से बहुत ज्यादा लोग ज्यादा मजहब की जानब इसलिए माइल हो जाते हैं कि वो वाकई आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, और मजहब उन्हें एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो नमाज जुम्मा के लिए इकट्ठे हो सकें, अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। तो ठीक है, वो एक दूसरे के साथ वो ना वो आप ये बात गौर कीजिएगा कि जो मजहबी लोग होते हैं ना, वो हमेशा जत्थे के अंदर मूव करते हैं, ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर ऑपरेट करते हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो हमेशा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मजहबी लोग जो होते हैं उनके लिए ग्रुप के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो खास तौर पर आउटसाइड पाकिस्तान जो पाकिस्तानी रिलीजियस होते हैं, वो उसी आइडेंटिटी क्राइसिस के तहत रिलीजियस होते हैं। और इस वजह से अगर हम करना शुरू कर दें कि एक बंदा ज्यादा पैसे कमाता है तो उसकी हर मौजू के ऊपर की गई बात खानदान के ड्राइंग रूम की तरह दुरुस्त होगी, तो ऐसा नहीं है डॉक्टर मदीजा। जी, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और एग्जैक्टली। अगर मानते भी नहीं है। जी हाँ, एग्जैक्टली। हालांकि जो मुसलमान है वो खुद ईसाइयों के कादियानी है, और जो ईसाई है वो खुद यहूदियों के कादियानी है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। होप टू डू अनदर स्ट्रीम वेरी सून। हाँ, आप हम लोग एग्जैक्टली हम कोशिश किया करेंगे कि हम एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक दफा ना जरूर हम गुफ्तगू किया करें। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके डॉक्टर मदिया। ठीक Likewise. All right. Thank you. है, Thank ठीक है, you. Yes. बाय Thank बाय। you, everybody. Bye.